दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा जो है अपने अंतिम चरण पर चल रही है और आप देख सकते हैं अभी भी जो है बहुत ही दिव्य दिव्य कांवड़ आ रही है। आप देख सकते हैं ये शामली जाने वाली कांवड़ है, शामली के रास्ते पर हरिद्वार से शामली के लिए जाएगी। और देखो दिल वाली कांवड़ है, बहुत ही खूबसूरत कांवड़, और इसके पीछे आ रही है बागपत की जो है डांस करने वाली कांवड़। आप देख सकते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए नज़ारा, शिव अखंड ज्योति कांवड़ यात्रा हरिद्वार से कान्यान। ये कान्यान कहाँ पे है पता नहीं, और देखिए जय भीम की कांवड़ बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी बार, पता नहीं क्या कारण है। ये देखिए ऊंची ऊंची कांवड़। तो दोस्तों ये देखिए अभी जो है कुछ बोले आ रहे हैं जल लेकर, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और आप देख सकते हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है, और भोले जो है कोई नंगे पैर चल रहा है कोई किस तरह। दोस्तों कांवड़ यात्रा 2024 में आप सभी से भक्तों का स्वागत है, और कांवड़ यात्रा का अंतिम दौर चल रहा है फिलहाल। और देख सकते हैं हमारे सामने पहुंचे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी कांवड़ है, और महादेव की जो महादेव जी लंगोटी पहनते हैं उसमें जो है कांवड़ का कलर है देखिए। और गंगा जल लाए हैं भोले जी, सबसे पहले भोले जी से बात कर लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोले कहाँ से हो? जिला शामली। शामली से जी। अच्छा इस रूट पर जा रहे हो? हाँ। दूसरे उधर को क्यों नहीं गए? इधर बंदे आ। अच्छा इधर बंदे आ। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बोला शामली जाएगा हरिद्वार से। हरिद्वार से कब चले थे बोले? 27 तारीख में शाम को 6:30 बजे। 27 में शाम को 6 बजे। हाँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों, लोग माइक ले लो मुझे यार। ये इनकी कांवड़ है जो बहुत ही सुंदर कांवड़ है देख के। और सबसे बड़ी बात इन्होंने दो झंडे लगा रखे हैं, एक तो शंकर भगवान का, एक श्री राम जी का। और भोले जी बताइए यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा बहुत अच्छी है भोले जी। कैसा? बहुत ही अच्छी, सफर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तो कष्ट लेना ही पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं है। कितने लीटर जल है बोले आप? 51 लीटर जल है। अच्छा 51 लीटर के साथ में आप अकेले चल रहे? साथ में और बंदे थे भी आगे पहुंच गए हैं। नहीं आप अकेले ही उठा रहे हैं? अकेले ही हूं। हां जी। और कोई नहीं सहयोग कोई नहीं देता? अकेला ही हूं। अच्छा बोले किस मनोकाम से उठा इतना जल? बस नौकरी की वजह से। अच्छा नौकरी के लिए? हां नौकरी लग जाए बस। अच्छा अच्छा देख सकते हैं दोस्तों भोले के लिए प्रार्थना करना है। ये बोला जो है 51 लीटर गंगा जल लेके आया है और अकेला है फिलहाल, आप देख सकते हैं अकेले ही उठा रहा है, कोई किसी का सहयोग नहीं है। कि जैसे बोलते हैं ना कि दूसरा भी लेकर चल देता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, बोला अकेले लेकर चल रहा है। बोले कौन सी कांवड़ है, इससे पहले भी कांवड़ लेके आया? हाँ ये चौथी है, इसका जोड़ा हो गया 51 लीटर का। अच्छा 51 लीटर का जोड़ा हो गया ये? अरे वाह बोले आपने तो हद कर दी। बाबा की दया से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सफर चल रहा है। अच्छा बोले कोई रास्ते में क्या क्या परेशानियों का सामना झेला? परेशानी बस कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी है और कुछ नहीं है फिलहाल। नहीं जैसे पिछली बार आप कांवड़ लेकर आए थे, पिछली बार तो बारिश थी बस, पिछली बार तो एक भी दिन नहीं रुके हो? ना 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 24 घंटे चलती रही बारिश, और अच्छा लगा आपका थोड़ी बारिश है, रुक के चलना पड़ रहा है 100 मीटर पे थोड़ा। अच्छा 100 मीटर के बाद ही जो है रुकना पड़ता है। अच्छा उत्तराखंड की व्यवस्था आपको अच्छी लगी या यूपी की व्यवस्था अच्छी लगी? आपके तो देखते रहे, हमारे इधर की अच्छी है, उधर तो बहुत गर्मी हो रही है। क्यों? बारिश की वजह से। वैसे सुविधा के रूप में सुविधा बहुत अच्छी है, सुविधा उत्तराखंड में अच्छी है या? हाँ मतलब पहले से अच्छी है, मतलब पानी भी है और नहाने की भी व्यवस्था है वो ठीक है, बस थोड़ी सी गर्मी की वजह से। शिविर मिले कुछ रास्ते में? हाँ मिले। अच्छा हाँ। अच्छा बोले इस तरह के कांवड़ में कितना खर्चा आ जाता है आपका? इसमें लगभग 8,000 का सफर। अच्छा 8,000 का? 8,000। घर वालों की फुल परमिशन है? हाँ फुल है। अच्छा राज्य से? अच्छा राज्य से, बिल्कुल राज्य से। और एक बोला और साथ में आ गया, ये साथ छोटा भाई है आपका? छोटा भाई है? छोटा भाई यहाँ पीछे था, ये पीछे से आप? अच्छा पीछे से। आप कौन सी कांवड़ लाए बोले? ये पिट्ठू ले रहे हैं। अच्छा पिट्ठू कांवड़ है? ये पिट्ठू कांवड़। हाँ एक बोला जाए वो छोटी कांवड़ है, एक बोला बड़ी कांवड़, ये क्या बात बोले? दोनों छोटे बड़े भाई है, ये छोटा है मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हो? हाँ मैं बड़ा। अरे नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, पापा की दया से चल रही है। थोड़ा सा बात करा दो बोले से भी। हर हर महादेव जी, कैसे हो बोले? यात्रा अच्छी चल रही? बढ़िया। अच्छा ये कैसे हो रहा है कि ये छोटा जो बड़ा भाई है 51 लीटर जल के साथ में चल रहा है और फिर भी आपसे आगे चल रहा है, और आप पिट्ठू कांवड़ ले रहे हैं, आप पीछे चल रहे भोले से? भोले एक तो मेरे पैर में छल्ले पड़ रहे। अच्छा पैर में छल्ले पड़ गए? छल्ले पड़ रहे, और मैं पीछे नुरा गया था या गली कट गया था तेजी से? तेजी से? तेजी से लिकट गया था आगे। अच्छा अच्छा भोला किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? बस भोले पहले तो आर्मी नहीं करना था। अच्छा बाप तो जो जोन से भी ऊपर वाला भगवान दे रहे। अच्छा बस जो भी मिल जाए। हाँ, आर्मी का तो कहानी खत्म हो ली। हाँ, तो क्योंकि 5 साल की नौकरी है, 5 साल की नौकरी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और आप क्या करते हो बोले? कुछ नहीं, अभी अभी पढ़ाई करते हो? पढ़ाई है बस फिलहाल। अरे वाह बोले
तो देख सकते हैं दोस्तों, बोले कि कावड़ देखिए बहुत ही खूबसूरत कावड़ लेके आए हैं बोरे, बोले जो है 51 लीटर चल के साथ में चल रहे हैं और कोई सहयोग नहीं है, और बोला तो जो है लेके चल रहा है पिट्ठू जल, बड़े भाई के हाथ में दे रखी है सब कमान, लेकिन लगता नहीं कि बड़ा भाई है, छोटा भाई लगता है मुझे तो आपका। बहुत बढ़िया बोले, और घर वाले घर परिवार में सबको सुख शांति है? हाँ, तो भोलेनाथ से भी प्रार्थना करना कि जाए घर वाले सुख शांति से रहे, किसी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, भगवान की जय। और एक और कावड़ आ गई हमारे पीछे, इनसे भी बोलो से बात करते हैं, देखो बड़े बड़े घड़े लाए, बोले बोल शंकर भगवान की जय। बोले थोड़ी देर बात कर लोगे? हाँ, बोले कहाँ के रहने वाले? बोले बोले शामली के। शामली के? सारे बोले शामली के। इधर को क्यों जा रहे हैं? ये पूरे महादेव पे चढ़ाएंगे ना। अच्छा, पूरा महादेव पे चढ़ाएंगे, ये बात है, अब पता लगा राज के। नाम क्या बोलेगा? नाम आकाश मेरी। अरे इन बोलो का दामोदर शर्मा। अच्छा, इनसे भी थोड़ा दे दो माइक इन्हें भी। अच्छा बोले जी, कैसे हो, कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, अच्छा यात्रा चल रही है, बढ़िया चल रही है एकदम, गर्मी बढ़िया करके बोले बोले की कृपा है, जैसा बोला था थका रहना पड़ेगा। हाँ वही तो बोले ना, मगर गर्मी के रोक काट रखे, कृपा भी करेगा बोला ना। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं, बोले का गंगा जल देखे, बड़े बड़े मटकों में जो है बोला गंगा जल लेके आया है। बोले कितने लीटर गंगा जल लाए आपके पास? 61 लीटर है। 61 लीटर है? हाँ जी। नहीं ज्यादा से लग रहा है मुझे तो, क्योंकि बड़े बड़े घड़े है। अच्छा अच्छा, वेट ज्यादा है। अच्छा दोनों भाई हो क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी आए हैं। अच्छा लेके आप। अच्छा माइक ले लो एक बार हाथ में। अच्छा बोले ये पहली बार उठाया इतना लीटर चल गया, इससे पहले भी आप? ना ना, इससे पहले भी 21 लीटर लाया था। अच्छा, यानी कि जोड़ा पूरा होगा अगली बार? अच्छा, जोड़ा पूरा करने के चक्कर में गए थे या फिर? जोड़ा के चक्कर कोई नहीं। अच्छा, अगली बार इससे ऊपर आएगा वो? नहीं कह रहा मैं, बता दो वो जोड़ा पूरा ना, ना, वो जोड़ा करने के लिए। अच्छा अच्छा, वो सपने में से। अच्छा बोले गए कुछ मांगा? ना कुछ नहीं, माँ बाप बड़े डाल रहे हैं। ये देखो देखो, माँ बाप की खुशी के लिए जो है बोले ने जल उठाया, और देखो इतनी धूप में जो है इतनी कड़ी मेहनत कर रहे, बोले ना आपकी भक्ति कर रहे, तो बोले और किसी की, बोले की भी, बोले के अलावा किसी और भगवान की भी इसी तरह करते हैं कोई यात्रा? हाँ, इस तरह हनुमान जी की। हनुमान जी का दुबक का? अच्छा हनुमान जी का। हाँ, अरे वाह, हनुमान जी तो शिव का ही रूप है। हाँ, वही तो है ना। हाँ, ये तो समण समण माना जाएगा। हाँ, हनुमान जी को हर मंगल, हर मंगलवार व्रत रखा करो, क्या करो व्रत रखो। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं, शामली और बागपत के भोले जो है मतलब भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, वो बजरंग बली के विशेष कर भक्त है। बोले कुछ पहलवानी वहलवानी करते थे क्या? ना ना कुछ नहीं, नॉर्मल है सादा। अच्छा सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। अरे देखिए स्टाइलिश बोला है एकदम जो है, बेहतरीन तरीके से लोग बना रखा है, ये देखिए बोले ने। और ये पवित्र गंगा जल है जो बोला हरिद्वार से शामली तक जाएगा, कितने किलोमीटर की यात्रा होगी बोले अब तक? बोले अब तक होगी हमारी लगभग 100 किलोमीटर, 100 से तो ऊपर ही होगी। ना ना, 100 से ऊपर नहीं, लगभग 94 किलोमीटर। हाँ हाँ, 100 किलोमीटर है, समझ गया, 100 किलोमीटर हमारे गांव से पड़ता है, समझ गया। तो रास्ते में कोई दिक्कत उत्तराखंड सरकार का कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे बोले शिकायत कर रहे हैं वहाँ की जो सरकार है सहयोग नहीं दे रही बोलो को। नहीं वो थोड़ा क्या है, हम नीचे वाले हो गए ना, जो ऊपर वाले हैं। अच्छा, इस चीज को मानते धर्म की चीज भाई, जो चीज 10 रुपए की है वो 20 की दे रहे हैं, वो चीज है अभी रास्ते। हाँ वही तो, जैसा हमने देखा, हम पानी की बोतल ली हमने हरिद्वार, 20 की, अगर आप मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह 40 की 50 की मिलेगी, जो 100 की। ढाबे वाले तो बहुत महंगा दे रहे, ढाबे वाले तो लूटने का हिसाब बना रखा पूरा, 20 की बोतल 30 रुपए की दे रहे। वैसे बोलते हैं कि ये तो सामान का पीना है, कमाने का, और फिर पूरे साल बीमारी में बर्बाद कर देना उस पैसे को। यही करेंगे और क्या करेंगे? हाँ जब तो कमाई, अगर ये कमाई नहीं करेंगे क्या करेंगे? नहीं जब अवैध रूप से कमाएंगे तो फिर सारा बीमारी में जा रहा हूँ। नहीं वो तो सिकंदर को बता नहीं बता रहा है, देखो नाजायज नहीं करना, चाहे आप देखो इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे और इतना कष्ट कर रहे, थकान हो जाती है, पानी की प्यास भी लगती है सब कुछ, लेकिन जब एकदम से कुछ गरीब आदमी ऐसे होते हैं ना, देखो मैं होटल में खड़ा था, वो 20 की बोतल दे रहा था 30 रुपए की, तो एक जो है भोला आया, उसने बोला थोड़ा सा एक 2 घूंट पानी मिल जाएगा, मैंने जब भी बोतल ये दी मैंने तुरंत दे दी उसको, ठीक है उसने पी लिया। फिर उसका लड़का आया छोटा, भाई थोड़ा पानी मुझे भी दे दे, फिर उसने उसने पिया, और फिर उसकी लड़की भी आई उसको भी दे दिया मैंने, उन्हें सारा सारा पानी दे दिया। मतलब व्यवस्था है कि यदि कोई गरीब आदमी है, गरीब भोला चल रहा है और पैसे खत्म हो गए उसके, तो उससे तो कम से कम उस पर तो दया करे, ये गलत बात थी। नहीं गलत बात है, देखो पानी नहीं है उधर, जल्दी से कहीं नलका वलका है कुछ इस तरह, पेट्रोल पंप पे पानी खत्म कर रखा है फिलहाल, बंद कर रखा है क्योंकि फिर बोतल नहीं बिकने की उनकी, लेकिन हमारी यूपी में ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया सपोर्ट भी करती है। हाँ और हम तो ये चाहा कि हरिद्वार को जो है यूपी के अंडर में ले लेना चाह, नहीं वो तो पहली बार निकालते हैं हरिद्वार, नहीं 1 महीने के लिए ले लें बस, एक महीने तक शासन ले लें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, दूसरे सोचने से होगा ना, सरकार सोचेगी तो। चलो ठीक है, बोले आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे बोला नाम क्या बता था, बोले आपका नाम क्या था?
अच्छा, और आपका? ठीक है बोले जी, आपकी यात्रा सफल हो, और जो भी भोले से मनोकामना करेंगे तो पूरी हो जानी चाहिए, और बिना किसी उसके हो जानी चाहिए पूरी यात्रा, बिना किसी संकट के। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बजरंगबली की जय। ठीक है बोले जय।